बैक टू दिस चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आने वाली है। हम इस वीडियो में बात करेंगे MNS 2022 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कितनी स्कॉलरशिप आप लोगों को दी जाती है पर मंथ, उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि कितनी सैलरी आप लोगों को मिलेगी, कौन सी पोस्ट आप लोगों को MNS करने के बाद मिलती है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। कट ऑफ के बारे में जानेंगे, क्या प्रोसेसर है एडमिशन का, उससे रिलेटेड भी हम लोग जो है बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों को सभी की सभी इन्फॉर्मेशन, सभी की सभी जानकारी मिल सके। बात करें सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग अप्लाई करने के लिए इंडिया के सिटीजन होने चाहिए एंड 17 ईयर्स के आप लोग होने चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट कि आप लोगों ने 12th पास की कर रखी हो एंड 50% तक आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में, एंड आप लोग फर्स्ट टाइम क्लियर स्टूडेंट होने चाहिए, मतलब आप लोगों की कोई री वगैरह नहीं होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए इन्होंने बताया है, दैट इज़ 152 सेंटीमीटर जो गर्ल्स हैं उनकी हाइट यहाँ पर मांगी गई। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अवेलेबल हैं, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है ये पोस्ट या फिर बोल सकते हैं ये फॉर्म। एंड ऑफिशियल वेबसाइट जो रहने वाली है दैट इज़ www.joinindianarmy.nic.in, यहीं पर आप लोगों को अप्लीकेशन प्रोसेस सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, अप्लीकेशन फॉर्म यहीं से आप लोगों को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि CBE आप लोगों को CBT आप लोग बोल सकते हैं वो देना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों से पूछे जाएंगे काफ़ी क्वेश्चंस। 150 मार्क्स का रहेगा एंड 90 जो रहेंगे मिनट्स आप लोगों के पास समय रहने वाला है। एंड क्वेश्चंस आएंगे जनरल इंग्लिश या जनरल इंटेलिजेंस से एंड साइंस से, साइंस में बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के तीनों यहाँ पर इंक्लूड होगा। उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोगों को टेस्ट के बाद करवाना पड़ता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बात कर लेते हैं अभी अदर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह कितना आप लोगों को दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों का MNS 2022 में सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप लोग क्रैक कर लेते हैं एग्ज़ाम को, तो आप लोगों को फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा, कोई आप लोगों से फीस नहीं ली जाएगी, आप लोगों को यूनिफॉर्म वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ पर मंथ आप लोगों को 250 रुपीज़ स्टाइफंड के रूप में या फिर बोल सकते हैं स्कॉलरशिप के रूप में आप लोगों को मिलने वाले हैं। यानी इसके एप्लीकेशन फॉर्म हमें मोस्ट प्रोबेबली अगर कंडीशंस ठीक रहती हैं तो हमें फेब्रवरी में देखने के लिए मिलेंगे। यानी इस बार जो चांसेस हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के, इस बार चांसेस हैं, बिकॉज इस बार जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड के कितने ज़्यादा केसेस बढ़ते चले जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम रहेगा वो हमें ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। तो कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाती है एंड क्या पोस्ट दी जाती है, अगर आप लोग MNS से में जाते हैं या फिर आप लोग मिलिट्री से नर्सिंग करते हैं, तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट आप लोगों को मिलती है आफ्टर डूइंग BSc नर्सिंग फ्रॉम देयर। एंड आप लोगों की सैलरी 70 से 75K के अराउंड होती है, 70 से 75 हज़ार आप लोगों को ऑलमोस्ट सैलरी प्रोवाइड की जाती है एंड आप लोगों का एज ए ऑफिसर वहां पर ट्रीट किया जाता है। बात कर लेते हैं कट ऑफ से रिलेटेड, तो ऑलमोस्ट 110 से 150 मार्क्स तक सिलेक्शन MNS में, ये एक जोन आप लोग मान सकते हैं, क्राइटेरिया आप लोग मान सकते हैं, ऑलमोस्ट रिटर्न टेस्ट में इतने मार्क्स तक सिलेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों को MNS 2022 से रिलेटेड और कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।